ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के नौगावा सादात थाना क्षेत्र के गांव मादनखेड़ा में बेटी पर बुरी नजर रखने वाले गांव के एक किसान कृष्णपाल की किसान शूरवीर ने अपने भाई रणबीर के साथ मिलकर 4 दिन पहले हत्या कर दी थी। इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए नौगावा सादात थाना पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसका खुलासा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में हुआ। लेकिन पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मीडिया के सामने कृष्णपाल की हत्या का मुख्य आरोपी शूरवीर सिंह फूट फूट कर रो पड़ा और उसने हत्या का जुर्म कबूल करते हुए बताया कि हत्या का असली जिम्मेदार वही है और उसने जानवरों की तरह उसकी हत्या करके खुद ही उसके शव को तालाब में फेंका है। उसके भाई का इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए उसको छोड़ दिया जाए। बता दें कि नौगावा सादात थाना क्षेत्र के गांव मादनखेड़ा के रहने वाले किसान कृष्णपाल सिंह के ऊपर आरोप था कि वह गांव के ही निवासी शूरवीर सिंह की बेटी के साथ छेड़छाड़ किया करता था। इस बात का विरोध करने पर भी वह नहीं माना और लगातार शूरवीर सिंह की बेटी के साथ छेड़छाड़ करता रहा। शूरवीर सिंह को गुस्सा आ गया और शूरवीर सिंह ने उसको हटाने की ठान ली। बेटी के साथ छेड़छाड़ होने से गुस्साए किसान शूरवीर सिंह ने गांव के ही कृष्णपाल सिंह की पिटाई के बाद चाकू से हत्या कर दी और इसके शव को गांव में ही तालाब में फेंक दिया, जिसके बाद इस पूरे मामले में मृतक कृष्णपाल सिंह की पत्नी ने अज्ञात हत्यारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने इस पूरे मामले की विवेचना शुरू कर दी है और उन्होंने पूछताछ के लिए शूरवीर सिंह किसान को उठाया, जिससे हुई पूछताछ में पूरे मामले का पर्दाफाश हो गया। शूरवीर सिंह ने कृष्णपाल की हत्या करना कबूल कर लिया, लेकिन इस पूरे मामले में नौगावा सादात थाना पुलिस ने अभियुक्त के छोटे भाई रणबीर को भी आरोपी बनाया है और दोनों को गिरफ्तार करके पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मीडिया के सामने पेश कर दिया है। मीडिया के सामने पेश होने के बाद शूरवीर सिंह रोता बिलखता नजर आया। उसने बताया कि इस पूरे मामले में कृष्णपाल सिंह की हत्या का वह खुद ही दोषी है, उसने ही कृष्णपाल की हत्या करके शव को तालाब में फेंका था। इसमें उसके भाई रणवीर सिंह का कोई लेना देना नहीं है, उसकी अपने भाई से बोलचाल तक नहीं होती, इसलिए उसने रो रोकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से अपने भाई की बेगुनाही बताते हुए न्याय की गुहार लगाई है और अभियुक्त ने खुद ही पूरी हत्या की वारदात को कबूल कर लिया। लड़की का कोई वीडियो बनाई थी क्या उसने? हो सकता है सर, वीडियो बनाई हो, मुझे जानकारी नहीं दी बच्ची ने, तो इसने जो साहब वो जो है मतलब अपना जो वो करा, फिर क्या प्लान बनाया? तो मैंने किस तरह का प्लान बनाया मानने का? फिर मैंने प्लान ये बनाया, मैंने इससे कही भाई तेने ऐसा क्यों करा, तो ये बोला भाई अब तो हो ही गया। मैंने कहा भाई हो गया, मैं समाज में कहूँगा जो हमारे घर ही हैं, घर वाले हैं, घर वाली है, जो भी मुरकारी के बरन सिंह रिश्तेदार हैं, इनके संबंधी हैं, सबसे कहा मैंने उनसे कहूँगा। तो बोला अगर तेने कही या रपट करी पुलिस के अंदर, मैं बोला मैंने अगर तुम मैं नहीं कह दूंगा मैं पुलिस में पहुँचूंगा, अगर तुम जाओगे तो मैं तुम्हें जो है चूर भी गोली मार दूंगा। मैंने 6-7 मर्डर कर चुका हूँ, एक तेरा भी सही, परंतु मैं जो हूँ अगर तुमने कहीं भी पुलिस में किसी ने मेरी कंप्लेंट की तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। तो सर मैंने जो एकदम चुप हो गया, और मैं जो एकदम चुप होने के बाद कुछ दिन के लिए चुप हो गया, 8-9 महीने के लिए। तो ये पीछे हैदराबाद वाला जो कांड हुआ, पुलिस ने एनकाउंटर में बलात्कारियों को मारा, तो उसमें एक दिन मैं मोबाइल पर आ रहा था जी, उसमें देख रहा था, तो मैंने देखा कि साहब जो सरकार ने इनके इन हथियारों को मतलब इस सही सजा दी है हर आदमी, तो मैं इस कृष्णपाल से ही पूछने लगा कि भाई ये कृष्णपाल कह लगा एक दिन ऐसे आता था मिलने, पर इसे मैं जाहिर नहीं हूँ कि इससे क्रोध है इसका, मैं तो अपने डरा हुआ था ना कि ये कहूँगा तो मार देगा। तो मैं जो मैं बोले कृष्णपाल यार ये गलत हो गया, वैसे बोले गलत नहीं भाई, इनके साथ इनकी तो हत्या बहुत ही बढ़िया करा पुलिस ने, फोर्स ने जो की, और ऐसे अत्याचारों के साथ तो ऐसा ही होना था। और जो है अगर ऐसा सरकार 2-4 ये जो है स्टाफ करे पुलिस महकमा, ये मतलब सरकार इनके खिलाफ जो इस तरह सख्त कदम उठाए तो ये बलात्कारियों का इस तरह से जो रुक जाएगा। तुम्हें सीख जो मिली प्रेरणा वहाँ से मिली? प्रेरणा मिली आपने दी हैदराबाद से? जी प्रेरणा हैदराबाद से मिली सर, और फिर इसी ने अपना जो है एक सलूशन दिया कि ऐसा होना चाहिए था इनके साथ। जो तुम्हारे सहयोगी हैं ये कौन है आपके? ये सारे भाई हैं जी, सगे भाई हैं, छोटे हैं। तो आपने इनसे बताया? जी नहीं, मैंने किसी से नहीं बताया सर। फिर तो मैंने अपने अकेले ही प्लान बना लिया। अब 7 तारीख को जो मैं देखता रहा, मैं पूछता रहा भाई, इससे पूछता था भाई गन्ना कब जाओगे, पर्ची है तुम पर नहीं है, क्यों? मैं सोचता था कि रात में जो मर्डर करूंगा तो मैं जो बच भी जाऊंगा और जो है सुरक्षित भी रहूंगा और जो है बारे बालक परिवार भी बच जाएगा। नौगवा सादात थाना क्षेत्र के झिरकी तालाब में 7 तारीख को शव बरामद हुआ था। शव का पंचायतनामा पोस्टमार्टम कराया गया,
विवेचना से पता चला कि गांव के ही एक व्यक्ति जिनकी लड़की पर मृतक बुरी नज़र रखता था, उसने प्लान बनाकर जब वो रात में गन्ना लेकर जा रहा था उसकी हत्या कर दी और हत्या करने के बाद लाश को ले जाकर तालाब में फेंक दिया। क्या बरामद हुआ सर? इसमें बरामदगी में एक चाकू, एक तमंचा, 315 बोर और मृतक का टूटा और जला हुआ मोबाइल, ये बरामद हुआ। थैंक यू। प्राइम न्यूज़ 24 के लिए प्रदीप कुमार प्रजापति की रिपोर्ट।